शुभ संध्या मु लिपुन आपण लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुचे। आज संध्यार कौन टॉप न्यूज रही चलतु देखि नवा ता पूर्व समस्त चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु कारण जहाँ भी लाटेस्ट इनफर्मेसन रे सर्वप्रथमें देखिपारे। तो देखु प्रथम अपडेट होती राज्य स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास कोरोना पॉजिट चिह्नट होती एने ट्विट कर निजे सूचना देखते मंत्री से गत काली लक्षण विहीन कोरोना संक्रमित होती से होम आइसोलेसन थिबार भी सूचना देखते तेज जो मैंने सहित गत तीन दिन भितर मिशिंट से मानक कोविड टेस्ट कराईने को अनुरोध कर राज्य स्वास्थ्य मंत्री। दुई नंबर अपडेट हूँ आसंता मार्च मस छः तारिख रु एप्रिल मस तीन तारिख पर्यंत न्यूजीलैंड आईसीसी महिला दिनिकिया विश्वकप और न्यूजीलैंड विपक्ष सीरीज पर 15 जनिया भारतीय दल घोषणा कर। तीन नंबर अपडेट हूँ देश में 24 घंटा मध्य 1,17,100 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती 302 जन मृत्यु होता सूचना रही। चार नंबर अपडेट हूँ बहुचर्चित डाक्टर सुमित और तपस्विनी मामला गत काली पुणी एक नाटकीय मोड़ नहीं गत मध्यरात्रि तपस्विनी शशुर प्रमोद साहू निजर ब्रह्मानगर स्थित घर छाड़ी चली जाइंती निजक सुरक्षित मणु नाहंती बोली वीडियो बार्ता सोशल मीडिया रे जणाई से घर छाड़ीतिबा कुआ जाउची एबे से केउठारे अछंती ता जणा पड़ी नाही। एणे जिला जज राय प्रकाश पर जो बिवाद लागी रही थिला तहार अवसान घटीला गत काली राति रे तपस्विनी शशुर घरे प्रवेश करिथिले तेबे परिवार लोकंक गहण रे न रही पृथक एक रूम रे रहीतिबा जणा पड़ी। अन्य पक्षरे मामलार दुई पक्षर वकिलंकर बयान मध्य चर्चार विषय पालटीतिबा देखिया पई मिलिथिला। पांच नंबर अपडेट रहउछि नीट पीजी काउंसलिंग उपरे सुप्रीम कोर्ट आज निर्देश देइछंती तुरंत काउंसलिंग आरंभ हेबा सहित सुप्रीम कोर्ट 27% ओबीसी एवं 10% अर्थनैतिक दुर्बल वर्गर संरक्षण को अनुमोदन करिसंती। छह नंबर अपडेट रहउ नुआ वर्ष रे ओडिसार लोकंक मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एक नुआ उपहार देबापई जाउचंती आज से लोकंक घर को मरामती प्रत्येकंक 3000 टंका लेखाएं प्रदान करिवे एथिरे जेउ माने पक्का घर पाइथिबे एवं जेउ माने पक्का घर पाइनथिबे से माने मध्य एही टंका पाई परिबे। आज हिताधिकारीक बैंक अकाउंट रे एही सहायता राशि सीधासलख जमा हेबो जेउथिरे 30 लक्ष परिवार उपकृत हेबे एथिपई 1444 कोटी टंका खर्च हेबो विजु पक्का घर योजनारु एही टंका खर्च कराजिबो बोली निष्पत्ति होईचि। एनै गत डिसेंबर मासरे राज्य कैबिनेट रे निष्पत्ति होईतिला सेही अनुसारे विजु पक्का घर योजना अंतर्गत घर मरामती पई राज्य सरकार एही सहायता देबे विजु पक्का घर निर्माण श्रमिक पक्का घर एवं खणी अंचल पक्का घर योजना रे घर पाई लोकंक घर को मरामती पाई एही 3000 टंका सहायता आज मिलिबो या सहित केन्द्रीय योजना रे वंचित थिबा लोकंक मध्य आज सहायता दिया जिवो आवास योजनारु वंचित थिबा लोकंक घर मरामती पाई 5000 टंका मिलिबो बोली मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पूर्वरु घोषणा करथिले जहाँकि आज प्रत्येक हिताधिकारी बैंक खाता रे सीधा सलख पैसा टी क्रेडिट हो जिवो तो जहाँफल आपण मानक 3000 जो मैंने विजु पक्का घर पर आगुरु पाई मरामती से 3000 टंका मिलिबो आ जो माने बिजु पक्का बिल्कुल भी पाई बा आवास योजना रु घर पाई से 5000 टंका आज ट्रांसफर हम बोली सूचना रही। सात नंबर अपडेट रही संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन में प्रतिद्वंदिता करुवा प्रार्थी निर्वाचन जनित खर्च सीमा को भारतीय निर्वाचन कमिशन वृद्धि कर संसदीय क्षेत्र में निर्वाचन करुवा सांसद प्रार्थी खर्च सीमा 70 लक्ष रु 90 लक्ष टंका वृद्धि कर। आठ नंबर अपडेट रही संभाव्य कोविड तृतीय लहर मुकाबला निम्ते मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र आज जिला एवं पौरांचल हॉस्पिटल स्तरीय प्रस्तुति समीक्षा करिसंती विभिन्न जिलापाल पौर कमिश्नर सरकारी एवं घरोई हॉस्पिटल सहित आलोचना करी एक सप्ताह मध्य समस्त बेड आईसीयू आंबुलांस आदि पूर्ण प्रस्तुत करने सहित आक्रांत मानक तुरंत चिकित्सा देवा निम्ते डाक्टर नर्स एवं स्वास्थ्य सहायक स्टाफ को मुतयन करने श्री महापात्र निर्देश देखते। नौ नंबर अपडेट रही ओडिशार पापाग को लेकिन जानुरी मस 10 तारीख बेलू पश्चिम ओडिशार विभिन्न जिले में हालाकू मध्यम धरणर वर्षा होगा पापाग विभाग
पूर्वानुमान करिछि। विशेष करी जिल्ला गुडीक होछि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, केन्दुझर, देवगढ़, संबलपुर, सोनपुर, बरगढ़, बलांगीर, नुआपड़ा, कलाहांडी, नवरंगपुर जिल्लारे 10 तारीख सुधा वर्षा हेबार संभावना रहिछि। 10 तारीख पर वर्षार परिमाण वृद्धि पाइबा सहित अन्य जिल्ला मानक मध्यरे मध्य वर्षा होइपारे बोली सूचना रहिछि। 10 नंबर अपडेट रहिछि स्कूल आ गणशिक्षा विभाग अधीनस्थ राज्यर समस्त शिक्षानुष्ठान आज ठारु बंद रहिबो। केवल आसेसमेंट परीक्षा थिबा दशम एवं द्वादश श्रेणी छात्र छात्री परीक्षा पई विद्यालय आसिबे। दशम एवं द्वादश श्रेणी व्यतीत अन्य समस्त श्रेणीर पिलांकु विद्यालय आसिबाकु बारण करा जायछि। विभाग दर्शाइछि जे फिजिकल क्लास जारी रहिथिबा षष्ठरु द्वादश श्रेणीर छात्र छात्रींकर आज ठारु आउ श्रेणीगृह पाठपढ़ा हेबो नाही। ऑनलाइन व्यवस्था द्वारा छात्र छात्री माने पाठ पढ़िबे। तेबे शिक्षानुष्ठान चाहिले दशम एवं द्वादश श्रेणीर पिलांक पई छोट छोट ग्रुप तथा ब्याच करी डाउट क्लियरिंग क्लास आयोजन करिपारिबे। मात्र कोरोना कटकणार कड़ा अनुपालन सहित पिलांकु पाठ पढ़ाइबा पई विभाग विद्यालय गुडीकु परामर्श देछि। डाउट क्लियरिंग क्लास पई छात्र छात्री अभिभावक मानक ठारु लिखित सम्मति पत्र आनिया पई विभाग निर्देश देछि। सेहिपरि शिक्षानुष्ठान समेटिव आसेसमेंट एवं अन्यान्य परीक्षा कोरोना कटकणा सहित आयोजन करा जाय पारिबो बोली विभाग पक्षरु कुहा जायछि। 11 नंबर अपडेट रहिछि काया विस्तार करुछि ओमिक्रॉन। देशरे ओमिक्रॉन आक्रांत रोगीक संख्या 3007 कु वृद्धि पाइछि। सेथि मध्यरे महाराष्ट्रे सर्वाधिक 876 चिन्हट होइतिबा बेले दिल्ली में 465, केरल में 284 चिन्हट होइतिबा सूचना रहिछि। 12 नंबर अपडेट रहिछि गत 24 घंटा मध्यरे राज्य में 2000 ऊर्ध्व आक्रांत 2703 पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। एमानक मध्यरु क्वारंटाइन सेंटर रु 1579 जन चिन्हट होइतिबा बेले स्थानीय अंचल रु 1124 जन चिन्हट होइछंती। चिन्हट होइतिबा आक्रांतक मध्यरे 18 वर्ष रु कम बयसर 409 जन पॉजिटिव चिन्हट होइतिबा सूचना रहिछि। 13 नंबर अपडेट रहिछि आज ठारु राज्यर सबु सहरांचल रे राति 9टा रे दुकान बजार बंद रहिबो। वर्तमानर कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी सहरांचल रे नाइट कर्फ्यूर समय बढ़ाई दिया जाइछि। एबे राति 9टारु ता पर दिन सकाळ 5टा पर्यंत एही कर्फ्यू लागू रहिबो। राज्य सरकार जारी करितिबा नुआ कोरोना कटकणा अनुसार वर्तमान विभिन्न स्थान रे भीड़ को ह्रास करिबा पई निर्देश दिया जाइछि। सेहिपरि विभिन्न स्थान रे प्रेक्षालय, सिनेमा हॉल प्रभृति रे 50% लोकंकु नै कार्य करिबा पई कहा जाइछि। एही कटकणा आसंता फेब्रुवारी मास 1 तारिख पर्यंत बलबत्तर रहिबो बोली तथ्य रहूछि। 14 नंबर अपडेट रहूछि साउथ सुपरस्टार महेश बाबू को कोरोना। ट्वीट करि देले एही सूचना गुरुवार महेश बाबू ट्वीट करि कहिछन्ति कि मु मोर समस्त फ्यान एवं शुभचिंतक को कहिबा पई चाहूछि कि समस्त सतर्कता अवलंबन करिबा सत्ते मु कोरोना संक्रमित होइछि। मो मध्यरे स्वल्प लक्षण देखा देइछि। मु एबे घरे आइसोलेशन रे रहिछि एवं समस्त मेडिकल गाइडलाइन पालन करुछि बोली महेश बाबू कहिछन्ति। या व्यतीत महेश बाबू तांकर समस्त फ्यान को सतर्क रहिबा पई निवेदन करिछंती। से ट्विटर रे कहिछंती जे मो संपर्क रे आसीतिबा समस्त लोक तुरंत COVID-19 टेस्ट करि नियंतु। जो माने कोरोना वैक्सीन नै नांती से माने तुरंत वैक्सीन लो उभय डोज नियंतु बोली महेश बाबू कहिछंती। 15 नंबर अपडेट रहुछि बुल्ला भिसुट रे बातिल हेला ऑफलाइन परीक्षा एवं पाठपढ़ा। कैंपस छाड़िले छात्र छात्री भिसुट रे लगातार छात्र छात्री कोरोना संक्रमित हेबा परे एभली निष्पत्ति निया जाइछि। आसंता 10 तारीख जाए समस्त ऑफलाइन क्लास बातिल करा जाइथिबा सूचना रहिछि। 16 नंबर अपडेट रहुछि दिनकु दिन आहुरी भयंकर हेउछि कोरोना। विभिन्न भारियांटर रूप नै लोकंकु करुछि संक्रमण। वर्तमान भारतर ओमिक्रॉन भारियांटकु नै कोकुआ भय। ओमिक्रॉनर किछि लक्षण सामनाकु आसीथिला एबे आसीछि आउ किछि नुआ लक्षण। शरीरर रंगरु जानि हेबो आपण माने ओमिक्रॉन आक्रांत कि नुहन्ति। आमेरिकार डाक्तरंक कहिबा अनुसारी जदि ओठ चर्म नखर रंग बदली धूसर हो जाउची तबे या ओमिक्रॉन संक्रमणर संकेत होइपारे। 17 नंबर अपडेट रहुछि राज्य में बढ़ी चलिथिबा कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी आज ठारु राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू हेबा पई जाउची। विशेषकरी भुवनेश्वर संक्रमितों संख्या अधिक रही गाइडलाइन जारी करी बीएमसी। विमान भुवनेश्वर आसुवा समस्त यात्री आज ठारु आरटीपीसीआर टेस्ट बाध्यतामूलक कर।
କରାଯାଇଛି। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଥିଲେ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବେ। ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସେ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। 18 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, BSNL ଆଣିଲା ମଜାଦାର ଅଫର। କେବଳ ୟୁଜର୍କୁ ମିଳିବ 30 ଦିନ ପାଇଁ ମାଗଣା 5 GB ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱିଚ୍ ଟୁ BSNL ନାମକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ୟ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଯଦି BSNLକୁ ସ୍ୱିଚ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 1 ମାସ ପାଇଁ 5 GB ମାଗଣା ଡାଟା ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍, ଏୟାରଟେଲ୍ କିମ୍ବା ଜିଓ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଜର ସିମ୍କୁ ଯଦି ସ୍ୱିଚ୍ କରିକି BSNLକୁ ଆପଣମାନେ ବାଛୁଛନ୍ତି ବା BSNL ସିମ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଫର୍ରେ 5 GB ଡାଟା ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। 19 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 44,860 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 49,260 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। 20 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଶିମିଳିପାଳକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠୁ 6 ଟ୍ରାଭେଲର ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ, ଫଳରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପ୍ରତି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 21 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥିବା ହକି ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରର 4 ଜଣ ଖେଳାଳି କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସଂକ୍ରମିତ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖାଯାଇଛି। 22 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଶେଷ ହୋଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବନ ଡିଭିଜନ ଏବଂ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 20 ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 23 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ କାଳ ହେଉଛି କରୋନା। ପୁଣି ଥରେ ସହରରେ ଲାଗିପାରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଡାଉନକୁ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। 24 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଏବେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଧାର ଏବଂ ଭୋଟର କାର୍ଡ ବନେଇବାର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନ କମ୍ପାନୀ ରେଲ ଟେଲ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଥିବା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକରେ କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ବା କ୍ୟୁଏସ୍କ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାଫଳରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନରେ ହିଁ କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକର ସେବା ମିଳିବ, ଯାହାକି CSE ଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରେନ, ବିମାନ, ବସ୍ ଆଦି ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ଭୋଟର କାର୍ଡ, ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ, ପାନ୍ କାର୍ଡ, ଆୟକର, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ବୀମା ଆଦି ସେବା ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। 25 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, କରୋନା କାଳରେ ପୁଣି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ। 3 ଦିନ ବନ୍ଦ ପରେ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଖୋଲିବ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ। BMC ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନରଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଉଠା ଦୋକାନୀ ଉଚ୍ଛେଦ ନେଇ ମିଳିଛି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ ଆଜି BMC ଅଫିସ ଘେରିଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ ରହିଛି ଗ୍ରୋ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପଇସା କମାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।